छात्रों, आज हम कक्षा नौवीं में अध्याय तीन कक्षा नौवीं में अध्याय तीन परमाणु व अणु के बारे में पढ़ेंगे। परमाणु क्या है? आप अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार के पदार्थों को देखते हैं। प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना है। परमाणु बहुत ही सूक्ष्म कण है। आप देखोगे ये पेन भी परमाणुओं से मिलकर बना है। आप ये बोर्ड, पंखा, आप कुछ भी चारों ओर जो भी पदार्थ देखते हो, सारे के सारे किससे मिलकर बने हैं? परमाणु से मिलकर बने। और यही परमाणु बाद में मिलकर क्या बनाते हैं? अणु। तो किसी भी तत्व का, अब आप सोचोगे तत्व क्या है? हमारे प्रकृति में 118 तत्व पाए जाते हैं। तो पहले हम ये परमाणु की आपको एक परिभाषा लिखकर बता रहे हैं। तो परमाणु किसी भी तत्व का वह छोटा कण है जिसमें उस तत्व के सभी गुण पाए जाते हैं। नहीं आ रहा, लिखना नहीं होगा। परमाणु मतलब कोई भी तत्व है, उसका सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण पाए जाते हैं। तो आप ये कहोगे कि सभी पदार्थ किससे मिलकर बने हैं? परमाणु से मिलकर बनेंगे। अब आप बोलेंगे तत्व क्या है? ये तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं। ये प्रकृति में लगभग 118 तत्व हैं। अभी तत्वों के नाम हम आपको बताते जाएंगे, तो आप जैसे जैसे आते जाएंगे तो आपको याद होते चले जाएंगे। जैसे एक है कार्बन, कार्बन। अच्छा, अब हम कार्बन का एक शॉर्ट नेम संकेत उपयोग करते हैं, सी। ऑक्सीजन, ऐसे 118 तो अभी हम लिखेंगे नहीं, लेकिन बीच बीच में जितने भी आते जाएंगे ये है ओ, ये इनके संकेत हैं। ये जो 118 तत्व हैं इनको एक आवर्त सारणी में जमाया हुआ है। ये आवर्त सारणी आप अगली क्लास में भी देखोगे, लेकिन यहाँ समझना बहुत जरूरी है। एक आवर्त सारणी है, उस सारणी में इस प्रकार ऐसे खंड बने हुए रहते हैं। ये पूरे खंड बने हुए हैं और इस आवर्त सारणी में सब तत्वों को किसी विशेष गुण के कारण इनको जमाया हुआ है। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम। तो ये आवर्त सारणी आप आगे पढ़ोगे, मैं एक बता रही हूं। ऐसे आवर्त सारणी रहते हैं और जो 118 तत्व हैं उनको आवर्त सारणी में स्थान दिया गया है। तो ये जो 118 तत्व हैं, जैसे आप देखिए ओ, आपको ऐसे रोज पढ़ेंगे तो याद होता जाएगा ओ किसका संकेत है? ऑक्सीजन का।
ऑक्सीजन का संकेत है। ऐसे इस प्रकार 118 तत्व आपको इस आवर्त सारणी में मिलेंगे। जैसे इंग्लिश में कितने अक्षर होते हैं, अंग्रेजी में 26 अक्षर, ए से लेकर जेड तक। अंग्रेजी का ये अक्षर मतलब जो अकेले होते हैं, इनसे क्या बनते हैं, शब्द। तो आप देखेंगे जो शब्द हैं क्या वो 26 हैं, शब्द असंख्य हैं, और सारे में ए से लेकर जेड तक ही अक्षरों का उपयोग हुआ है। ऐसे ही ये 118 तत्व हैं, तो सारे पदार्थ जो आपको चारों ओर दिखाई दे रहे हैं वो इन्हीं 118 तत्वों से मिलकर ही, ऐसा नहीं सारे इकट्ठे, कभी दो दूसरे भी हो सकते हैं। जैसे एक उदाहरण लीजिए आप, आपने देखा है पानी, उसका हम रोज उपयोग करते हैं। पानी एक पदार्थ है, पानी मिलकर बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन एक तत्व है, वो तत्व आपको यहाँ मिलेगा। ऑक्सीजन भी आपको अभी आवर्त सारणी में कहीं ना कहीं मिलेगा। तो इस प्रकार ये एच, इसको ऐसे पढ़ते हैं H2O, तो ये पानी एक यौगिक है। पानी क्या है, एक यौगिक है, और ये तत्वों से मिलकर बना है। और तत्व किससे मिलकर बने हैं, परमाणु से। किससे मिलकर बने हैं, परमाणु से। तो हम परमाणु के बारे में, हमने अभी परमाणु की परिभाषा बताई, अब हम परमाणु के बारे में और पढ़ेंगे। परमाणु बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और इनकी जो परमाणु त्रिज्या है ये हमको नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। परमाणु त्रिज्या को हम नैनोमीटर में नापते हैं, एक इकाई है नापने की, नैनो जो परमाणु है। तो एक डॉल्टन नामक वैज्ञानिक ने एक वैज्ञानिक है ने परमाणु के बारे में, वैज्ञानिक ने एक अपना परमाणु सिद्धांत बताया। सिद्धांत बताया, उसने बताया कि प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर बना है, परमाणु से, और परमाणु ही सबसे क्या है, छोटा कण है। ये डाल्टन ने बताया कि जितने भी पदार्थ हैं, पदार्थ परमाणु परमाणु से बना होता है, कोई भी पदार्थ हो उसने अगला पॉइंट बताया कि परमाणु अविभाज्य है। अविभाज्य मतलब परमाणु को हम और छोटे भागों में नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन बाद में परमाणु को छोटे छोटे तीन कणों में तोड़ा गया। और उसने बताया कि किसी भी तत्व के, एक तत्व का परमाणु सभी समान होते हैं, तत्व 118 हैं, तो किसी भी एक तत्व के, किसी भी एक तत्व के सभी परमाणु समान होंगे। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के जितने भी परमाणु हैं, हम वो दिखाई नहीं देते हैं पर हम आपको ये दिखा रहे हैं कि जितने भी परमाणु हैं उनके गुण आपस में समान होंगे। तो परमाणु बहुत छोटा है, और यदि हमें परमाणु को देखना है, जैसे आपने देखा लोहा, लोहा भी एक तत्व है, 118 तत्व में एक आता है लोहा। तो लोहे का एक परमाणु आप देख ही नहीं सकते हो,
यदि हमें लोहे की लोहा देखना है तो हमें इसके बहुत सारे जो परमाणु हैं, अब इनकी कोई गिनती नहीं है, लाख लाख से भी ज्यादा, करोड़ अरब। जब ये परमाणु बिल्कुल इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं तब हमें लोहा दिखाई देता है। तो एक तत्व के परमाणु समान होंगे, मान लो ये हाइड्रोजन के बहुत हैं तो ये क्या होंगे, समान होंगे। लेकिन अलग अलग तत्वों के अलग-अलग तत्वों के परमाणु के गुण अलग-अलग होंगे। नहीं आ रहा है। जैसे हैं तो कार्बन के जो परमाणु हैं और हाइड्रोजन के जो परमाणु हैं, कार्बन भी एक तत्व है। आपको देखो छात्रों, ये याद हो गए ना, चार पांच तत्वों के नाम, ऐसे ही आपको 118 तत्वों के नाम याद हो जाएंगे। हाइड्रोजन के जो तो इस परमाणु के गुण इससे नहीं मिलेंगे, गुण नहीं मिलेंगे, लेकिन कार्बन कार्बन के आपस में मिलेंगे। और अगला पॉइंट है, डाल्टन ने बताया कि ये जो परमाणु हैं ये मिलकर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं या यौगिक भी बनाते हैं। परमाणु मिलकर दो या दो से अधिक क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। तो परमाणु छोटा है, अणु बड़ा है, या अणु बनाते हैं या इनको हम बोल सकते हैं यौगिक, एक ही तत्व के रहते हैं तो अणु, बाकी दो या दो से अधिक। यौगिक जब बनता है, यौगिक में भाग लेने वाले जो परमाणु होते हैं उनका अनुपात निश्चित होता है। यौगिक में जो परमाणु भाग लेते हैं नहीं आ रहा है, यौगिक में जो भाग लेने वाले परमाणु होते हैं उनका अनुपात निश्चित होता है। ये था डॉल्टन ने परमाणु के बारे में, एक डॉल्टन सिद्धांत कह सकते हैं, बताया कि किस प्रकार परमाणु अविभाज्य कण है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे तत्व, बीच बीच में तत्व शब्द भी आया है, तो तत्व क्या है, अब हम पढ़ेंगे तत्व के बारे में। तत्व क्या है, अभी तक एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर जो पदार्थ बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, तत्व। तो तत्व की परिभाषा देखिए आप,
ये तत्व समझना बहुत जरूरी है। तत्व कहते हैं तो 118 तत्व हैं। कुछ तत्वों के हम आपको संकेत लिख रहे हैं। संकेत कभी अकेले अंग्रेजी के वर्णमाला के जो कैपिटल लेटर है उससे हम प्रदर्शित करते हैं, कभी कभी दो अक्षर से भी प्रदर्शित करते हैं। तो कुछ तत्वों के हम आपको नाम लिख रहे हैं और उनके प्रतीक, या बोल सकते हैं संकेत। ऑक्सीजन, ये सबने सुना है नाम, और इसकी स्पेलिंग अंग्रेजी के ओ अक्षर से शुरू होती है। जैसे देखिए, ओ एक्स वाई जी ई एन, तो ये ओ अक्षर से शुरू हो रही है, तो इसका जो संकेत होगा वो होगा ओ। ऐसे ही हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की स्पेलिंग एच से शुरू होगी तो इसका संकेत होगा एच। कुछ तत्वों के नाम संकेत उनकी लैटिन भाषा के नाम पर दिए गए हैं, जैसे सोडियम। सोडियम ये सब आवर्त सारणी में आपको मिलेंगे। सोडियम, इसके स्पेलिंग शुरू होती है एस से, लेकिन इसका संकेत है एन ए। सोडियम का संकेत एन ए क्यों है? क्योंकि सोडियम को लैटिन भाषा में नेट्रम कहते हैं और उसकी स्पेलिंग होती है NaTrUm। तो इसके शुरू के दो अक्षर ले लिए हैं N और A, तो इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होता है और दूसरा स्मॉल होता है। ये है एक ही तत्व, ये दो तत्व नहीं है। यदि दो होते तो ये भी क्या होता? कैपिटल। ऐसे आप देखेंगे लोहा, आयरन, लोहा आपने देखा है, इसका संकेत है Fe। तो ये आपकी बुक में दिए हुए हैं, बहुत सारे तत्वों के संकेत दिए हुए हैं। आप इनका अध्ययन करेंगे और ऐसे 8-10 नाम रोज लिखेंगे तो आपको तत्वों के संकेतों के बारे में पता चल जाएगा। अब हम पढ़ते हैं परमाणु द्रव्यमान। परमाणु इतना छोटा है कि आपको दिखाई नहीं देता, तो हम परमाणु का वजन कैसे लेंगे? तो जो परमाणु द्रव्यमान है उसकी तुलना सापेक्षिक द्रव्यमान, तो उसकी तुलना किसी से की गई है, और उसकी तुलना की गई है पहले ऑक्सीजन से की गई थी, लेकिन वर्तमान में कार्बन-12 एक समस्थानिक है, उस परमाणु के 1/12वें भाग से की गई है। तो यह है परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु द्रव्यमान, परमाणु छोटा है, इसकी तुलना हम किसी से करेंगे। तो इसकी परिभाषा मैं लिख रही हूं,
ये कार्बन 12 एक समस्थानिक है, कार्बन की दो समस्थानिक है। देखिए, हम कोई भी तत्व का हमें परमाणु द्रव्यमान नापना है तो हम किससे तुलना करेंगे? कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान का 1/12वें भाग से हम उसको परिभाषित कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा हो गई है। परमाणु का अस्तित्व, इसके बाद हम पढ़ते हैं, परमाणु बहुत छोटा कण है तो हम क्यों उसका इतना ध्यान देते हैं? क्योंकि लेकिन सारे पदार्थ किससे मिलकर बने हैं? परमाणु से मिलकर बने हैं। तो परमाणु का क्या अस्तित्व है? सबसे पहले यह है कि परमाणु बहुत ही छोटा है। कुछ परमाणु अकेले रहते हैं लेकिन अधिकतर अणु के रूप में पाए जाते हैं। कुछ तत्वों के ही परमाणु स्वतंत्र होते हैं लेकिन अधिकतर, देखिए उदाहरण देखिए, जैसे आप देख सकते हैं लोहा, लोहे का संकेत क्या है? Fe, ये लोहा, इसके परमाणु क्या रहते हैं? स्वतंत्र रह सकते हैं। सोडियम Na, लेकिन कुछ तत्वों के परमाणु स्वतंत्र नहीं रहते हैं, अणु या आयन के रूप में रहते हैं। तो ये जो परमाणु है स्वतंत्र बहुत कम है और आयन या अणु के रूप में पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे अणु के बारे में। दो या दो से अधिक परमाणुओं का जो समूह है वो मिलकर क्या बनाता है? अणु। लेकिन इनके बीच में एक रासायनिक बंध पाया जाता है। तो आप अणु की परिभाषा, दो या दो से अधिक परमाणु का समूह जो रासायनिक बंध द्वारा जुड़ा रहता है उसे क्या बोलते हैं? अणु। अणु में जो परमाणु जुड़े रहते हैं उनका अनुपात निश्चित होता है। सबसे अच्छा उदाहरण आप देखेंगे पानी। आपको पानी का सूत्र याद हो गया होगा क्योंकि ये 2-3 बार आ चुका है। पानी दो तत्वों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। H का अर्थ होता है
हाइड्रोजन और ड्रोजन, और ओ का अर्थ होता है ऑक्सीजन। तो यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन के नीचे दो लिखा है, तो यहाँ पर ये दो है हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या। तो एच के परमाणु यहाँ पर कितने हैं, ये आपको बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ गिनना आना चाहिए। एच के परमाणु यहाँ पर कितने हैं, दो। और ऑक्सीजन के इस सूत्र की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन के जो परमाणु हैं वो कितने हैं, एक। तो हाइड्रोजन के दो परमाणु, तो उसके नीचे क्या लिखेंगे, टू। और ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, एक, तो एक को हम नहीं लिखते हैं। तो पानी का सूत्र क्या हो गया, H2O। तो ये है पानी का एक अणु, ये पानी का क्या है, एक अणु। आप देखते हैं ना कि बेसन के लड्डू बना रहे हो आप, एक लड्डू आपने बनाए हैं, चाहे दूसरा लड्डू, स्वाद सबका समान होगा। एक लड्डू में चार चीजों की आवश्यकता हुई, बेसन, घी, शक्कर और उष्मा। ऐसे सभी लड्डुओं को समान अनुपात में बनाए गए, तो एक अणु। यदि हमें पानी के दो अणु चाहिए है तो हम इसके सामने लिख सकते हैं दो। पानी के 10 अणु चाहिए है तो लिख सकते हैं 10। लेकिन हर अणु में क्या होगा, अनुपात निश्चित रहेगा, हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक परमाणु। अब हम पढ़ते हैं अणु, तत्वों के अणु। कुछ उदाहरण दे रहे हैं तत्वों के अणु बनना, किस प्रकार हम तत्वों से अणुओं को हम बनाते हैं। तो बहुत सरल है, पहला आपने देखा ये पानी। तो ये अणु बनते कैसे हैं, तो उसके पहले हमें एक शब्द समझना होगा कि प्रत्येक जो परमाणु होता है वो एक दूसरे से संयोजन क्रिया करता है, और उस संयोजन करने की क्षमता को हम बोलते हैं संयोजकता। क्या बोलते हैं, संयोजकता। तो हाइड्रोजन की जो संयोजकता है वो है दो, हाइड्रोजन की कितनी है, दो। और ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन सॉरी ऑक्सीजन की दो है और हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है, एक। तो उसके नीचे हमने संयोजकता लिखी, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी, दो है, दो है, और हाइड्रोजन की एक है। जब हम किस कहीं भी अणु सूत्र बनाते हैं, क्या बनाते हैं, अणु सूत्र, तो हम क्या करते हैं, इनको क्रॉस करके लिखते हैं। यहां देखिए इस प्रकार एरो लगा देते हैं, तो इस प्रकार क्रॉस हो जाता है। तो जब हम सूत्र लिखते हैं तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है, दो, तो हाइड्रोजन के नीचे लिखेंगे और ऑक्सीजन के नीचे इसकी संयोजकता लिखेंगे। चूंकि ये एक है तो एक को हम लिखते नहीं हैं। इस प्रकार हम दूसरा देख सकते हैं किस प्रकार अणु बनते हैं। जैसे देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका नाम है Mg, एक तत्व है, धातु है, इसका संकेत है Mg, मैग्नीशियम, और क्लोरीन का है Cl, तो इसको पढ़ेंगे क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। देखिए Mg की संयोजकता कितनी है, दो, और क्लोरीन की संयोजकता है एक। तो यहाँ पर भी इस प्रकार हम क्रॉस करके लिखते हैं। तो Mg के नीचे इसकी लिखेंगे तो कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब है क्लोरीन की संयोजकता कितनी, एक। और Cl के नीचे 2 लिखा, मतलब मैग्नीशियम की संयोजकता 2। इस प्रकार हम तत्वों से, विभिन्न तत्वों से क्या बना सकते हैं, अणु बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कभी कभी एक परमाणविक अणु भी होता है, एक परमाणुक अणु।
जैसे देखिए सोडियम, इसमें एक ही परमाणु है, एक होते हैं द्वि परमाणुविक अणु, द्वि मतलब जैसे आप देखिए उदाहरण हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन के समान है दो परमाणु जुड़े हुए हैं, कभी कभी त्रि परमाणुविक अणु भी हो सकते हैं, जैसे O3 ओजोन, इसमें तीन परमाणु भी हो सकते हैं। इसके बाद का हम भाग दो में पढ़ाएंगे।